हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं शेयर करूँगी कुछ विंटर हैक्स। जो मैं आज आपके साथ हैक्स शेयर करूँगी वो बहुत ही इजी से सिंपल से है, लेकिन फिर भी शायद आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो, इसीलिए आज मैं शेयर करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपके साथ हैक शेयर करूंगी। जैसे हम स्वेटर खरीदते हैं, टी शर्ट या स्वेट शर्ट जो भी हम खरीदते हैं, या जैकेट होती है, कई बार ऐसा होता है कि उसकी स्लीव लंबी होती है। जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्लीव, अगर मैं नॉर्मल करती हूँ तो जहाँ पर आती है, अगर मैं इसे नॉर्मल करती हूँ तो देखिए आप जहाँ पर देख सकते हैं कितने बल से बट जाते हैं, जो पता चलता है कि मेरी स्लीव लंबी है, जो दिखने में अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हम जी रबर बैंड है मेरे पास, आप कोई भी रबर बैंड जो आपके कपड़ों के साथ मैच होता हो या नहीं भी तो ये शो नहीं होगा, हम कोई भी कलर का रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं। जे रबर बैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जो प्लास्टिक के नॉर्मल छोटे बच्चों के लिए रबर बैंड होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे अपने में डाल लेंगे, इसको अब हम ऊपर करेंगे रबर बैंड को, तो ऐसे हम कर देंगे। आप देखिए ऐसे हम ऊपर कर लेंगे तो आप इन दोनों स्लीव में से देख सकते हैं कितना फ़र्क आ जाता है, कितना अंतर आ गया है, कौन सी स्लीव जा रही अच्छी लगती है। अगर ऐसे हम फोल्ड करते हैं तो एक तो दिखने में स्टाइलिश सा लगना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छी सी लुक आती है अगर ऐसे हम स्लीव रखते हैं तो। सेकेंड इसका और जो बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अगर हमने वॉच पहनी हुई है, ब्रेसलेट पहना है, या फिर आप बैंगल्स वगैरह पहनी हुई है, वो आपकी अलग से शो होती है, जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि आपने नीचे बैंगल्स पहनी है, ऊपर आपकी ऐसे क्वार्टर स्लीव है, तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। अगर हम रबर बैंड नहीं पहनते, इसको वैसे ऊपर करते हैं तो वो फिर बार बार नीचे आएगा, उससे हमें प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम रबर बैंड पहन लेंगे तो हमें एक बार ही उसे सेट करना पड़ेगा, वो सारा दिन वैसे ही सेट रहेगा जैसे हमने स्लीव को जहाँ पर रखा हुआ है। जब नॉर्मल मौसम होता है, वेदर होता है, तब तो हम ऐसे स्लीव को ऊपर कर लेते हैं, लेकिन जब जिन दिनों में ज़्यादा ठंडी होती है तो उस दिन में हम कैसे करें ऐसी लॉन्ग जो हमारी स्लीव वाली टी शर्ट हो या स्वेट हो जो भी। जब ज़्यादा सर्दी होती है तब मैं जो लॉन्ग स्लीव है उसको पूरा अपने हाथों पर कर लेती हूँ, जिससे मेरे हाथ तो सर्दी से बच जाते हैं, लेकिन मैं इससे कोई काम नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं पूरा थंब वगैरह मेरा अंदर कवर हो चुका है, पूरे हाथ कवर होते हैं, इससे हम कोई काम नहीं कर सकते। इसके लिए जो मैंने सोल्यूशन निकाला है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, मैंने जहाँ पर जो हमारी स्वेटर की सिलाई होती है वहाँ से लेकर मैंने थोड़ा सा जहाँ मेरा थंब आ रहा है, मैंने अपना देखा है, जितनी भी स्लीव आपकी लंबी हो उतना आपको रखकर, जैसे मेरी स्लीव जहाँ पर आती थी तो मुझे अपना चेक करते हुए जहाँ पर मेरा थंब आता है वहाँ से मैंने थोड़ा सा सिलाई को खोल लिया, तो ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे शो हो रहा है जैसे मैंने ग्लव्स पहना हो। पूरी लेंथ भी मेरी स्लीव की कवर हो रही है और इससे मैं सर्दी से भी बची रहूँगी, मेरा ग्लव्स शो हो रहा है। और सेकेंड जो मेरे लिए सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होगा वो ये कि मैं कोई भी पेन पकड़ना हो, कुछ लिखना हो, कोई काम करना हो, जस्ट हम इसके साथ पानी वाला कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा कोई भी काम हमें करना हो वो हम इजीली कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक होगा आपके लिए। मेरे लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि एक तो मेरी स्लीव लंबी थी, सेकेंड इससे मैं सर्दी से बच रही हूँ, और थर्ड सबसे बड़ी बात, इसको मैं पहनने के बाद जो भी काम चाहूँ वो काम कर सकती हूँ, मेरा हाथ नॉर्मल चल रहा है, जैसे मैंने ग्लव्स पहना हो वैसा शो हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको जी मेरा आइडिया कैसा लगा, जी मेरा ट्रिक कैसा लगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम कोई वूलन कपड़े खरीदते हैं, स्वेटर, टी शर्ट या कोई भी वूलन कपड़े खरीदते हैं, उन पर रुई आ जाती है, जहाँ हम प्योर वूल की स्वेटर भी लेते हैं उसको भी हम ज़्यादा पहनते हैं, जहाँ फिर गलती से रात को उसे पहनकर सो जाते हैं तो उस पर भी रुई आ जाती है। जे हमें सभी कपड़ों पर प्रॉब्लम आती है जो रुई आने की, जहाँ जिनको लिंट बार बोला जाता है, जे प्रॉब्लम हमें सभी को फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करें, जैसे आप देख सकते हैं आपको शो हो रहा होगा, आप शायद आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा, इस जी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इस पर लुई आई है। इसके लिए हम ऐसे एक रेज़र लेंगे, जो रेज़र होती है इस ऐसे हमें जिस भी कपड़े से इसे उतारना है रेज़र लेंगे, ऐसे हम जैसे हम नॉर्मल शेविंग करते टाइम रेज़र को चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे,
तो ऐसे हम जहाँ पर भी है सारे चलाते जाएंगे, लेकिन सॉफ्ट हाथों के साथ चलाएंगे। आप जब खुद करेंगे आप देखेंगे कि जब हम इसके साथ रुइयां उतारते हैं तो हमारे कपड़े में भी एक चमक सी आने लगती है। जैसे कहते हैं ना, फेशियल कराने के बाद हमारे फेस में चमक आती है, वैसे ही सेम जब हम इसके साथ रुइयां उतारते हैं तो इसमें भी, इसके साथ भी कपड़े में चमक आने लगती है। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। जब से मुझे इस बात का पता चला, मेरी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट जरूर कीजिए आपको जी आपके लिए ये कितनी हेल्पफुल रही। इसे जब हम इसे ऐसे करेंगे तो सारी रुई उतरेगी। आपको शो नहीं हो रहा शायद, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा रुई उतर चुकी है आप देख सकते हैं इस पर कितनी शाइन सी आ गई रुई उतरने के बाद, और बहुत ज़्यादा हद तक ये रुई उतर चुकी है। अभी तो मैं जस्ट एक जगह से ही की हुई है, लेकिन बाद में मैं सारे पर से करूँगी। तो इसीलिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो मुझे भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे सर्दियों में हमारी स्किन जो होती है काफ़ी रफ सी हो जाती है, हमारा फेस, हमारे हैंड, हमारे जो फुट होते हैं सारे, हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। उसके लिए हम क्या करें, आप जो भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसी मॉइस्चराइज़र को आप रात को सोने से पहले अच्छी तरह अपने हाथों और पैरों और अपने फेस पर लगाइए। अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र नहीं भी है तो फिर भी आप, आपके पास ऑलिव ऑयल हो तो आप उसी के साथ ही अपने हाथ और पैर और अपने फेस को मॉइस्चराइजर करके सोइए। सुबह उठते ही आपके हाथ पैर फेस जो भी आपका बहुत सॉफ्ट आपको फील होगा कि काफ़ी सॉफ्ट स्किन है आपकी। आपको हर रात सोने से पहले मॉइस्चराइजर जरूर करना है, वो आप अपने मॉइस्चराइजर से करें या फिर ऐसे ऑलिव ऑयल हो आपके पास उसके साथ भी ऐसा आप कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। ऑलिव ऑयल तो और भी अच्छा होता है, उसमें विटामिन ई होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। इसीलिए आप चाहे तो आप उसके साथ भी मॉइस्चराइज कर सकते हैं अपनी बॉडी को। और इसके अलावा नेक्स्ट, अगर आपकी सर्दियों में एड़ियाँ फट जाती है, जैसे हमारे पैरों की एड़ियाँ फट जाती है सर्दी में, तो उससे बचने के लिए जो मैं सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है कि उसके लिए हम एक तो मस्टर्ड ऑयल, जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो वाला लेंगे, और उसके साथ हम ये कैंडल हो, मैं आपको ये वाली शो कर रही हूँ, आपको मेरे पास वो नॉर्मल वाली कैंडल नहीं थी, आपको ये हो या नॉर्मल कैंडल हो सेम अंदर इनके जैसे ये मोम है वो सेम ही होती है, हमें वो चाहिए। आप क्या करें, पहले एक कटोरी में ये मस्टर्ड ऑयल डाल लीजिए, उसके बाद आप थोड़ी ये कैंडल के पीस डाल लीजिए, और इन्हीं के साथ एक हम यूज़ करेंगे वैसलीन। आप वैसलीन जो भी घर पे यूज़ करते हैं जहाँ जो आपके पास है वो थोड़ी सी डालेंगे। तीनों को एक साथ डालने के बाद, अगर तो आपके घर में माइक्रोवेव है आप उसमें थोड़ा सा इसको गर्म कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐसे एक कोई कटोरी जहाँ बड़ा जो भी आप पैन यूज़ करते हैं उसके बीच पानी डालकर उसको गैस पर रखिए, और उसके बीच हम इस कटोरी को रखेंगे। पानी की हीट के साथ जो भी हमने इस कटोरी के बीच कैंडल्स जहाँ वैसलीन डाली हुई है वो तीनों चीज़ों आपस में मिक्स हो जाएगी। जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाए तो आप रात को सोने से पहले इस मिक्सचर को अपने एड़ियों में लगाएं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो लास्ट में आपको बताना चाहूँगी कि जैसे गर्मियों में तो हम जो भी ब्लैंकेट वगैरह लेते हैं, जो भी हमारी बेडशीट होती है, उनको हम धूप लगाते हैं, काफ़ी धूप होती है, लेकिन सर्दियों में हमें धूप नहीं मिलती तो हम ऐसे ही अपनी जो ब्लैंकेट है या जो भी ऊपर हम लेते हैं उनको हम फोल्ड करके अपनी अलमारी में रख देते हैं, जिससे काफ़ी बैड स्मेल आने लगती है, और वैसे भी हमारा जो रात का बॉडी का मॉइस्चराइज़र होता है वो सारा ब्लैंकेट में चला जाता है, जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल भी हो सकता है। उसके लिए हम क्या करें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर तो बाहर धूप है तो हमें धूप में उन सभी ब्लैंकेट वगैरह को, बेडशीट को जरूर सुखाना चाहिए, धूप लगानी चाहिए। अगर नहीं धूप तो हम जैसे अगर हमारे पास बालकोनी है जहाँ हमारे पास पोर्च वगैरह है उसमें हम जो भी ब्लैंकेट रात के लिए हुए हैं उनको बिना फोल्ड किए रखें थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटे के लिए, जिससे उनका रात का मॉइस्चराइज़र, बॉडी का निकला हुआ मॉइस्चराइज़र है वो सूख जाए। इन केस बाहर बिल्कुल भी धूप ना हो तो फिर तो हम अपने ब्लैंकेट वगैरह को बालकोनी या पोर्च में भी नहीं रख सकते, क्योंकि उससे हमारे ब्लैंकेट में और गीलापन आ जाता है वो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारी लेडीज़ की आदत होती है कि सबसे पहले उठते ही हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो बेड को सेट करने का करते हैं, जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं उनको फोल्ड करने का करते हैं, तो हम, लेकिन विंटर में हमें चाहिए कि हम पहले जो भी घर के और काम है वो कर लें, तब तक हम जो भी हमारे ब्लैंकेट है जो भी आप रात को ऊपर लेते हैं उनको अच्छी तरह बेड पर स्प्रेड कर दीजिए, जिस
उससे क्या होगा कि रूम टेम्परेचर में ही बेशक हमने ब्लैंकेट को फैलाया हुआ है, कम से कम कुछ ना कुछ उसका मॉइस्चराइजर जरूर जाएगा। जिस घंटे दो घंटे के बाद उसे फोल्ड करके अलमीरा में रखें तो आप देखेंगे जो उसी टाइम मॉर्निंग उठते टाइम ही हम ब्लैंकेट को फोल्ड करते हैं उसमें जो स्मेल आती है, और जो दो घंटे बाद हम उसे फोल्ड करते हैं वो स्मेल काफ़ी हद तक उसकी दूर हो जाती है। आपको मेरे आज के जो मैंने आपके साथ विंटर हैक्स शेयर किए हैं उन सभी में से कौन सा हैक सबसे अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए दूसरों के साथ।